अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर थर्ड जो कि एंजाइम के बारे में है, हम पढ़ रहे थे जी उन फैक्टर्स को जो कि एंजाइम की रफ्तार पर असरअंदाज होते हैं। हमने फैक्टर पढ़ लिया जी एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर जो कि एंजाइम की रफ्तार पर असरअंदाज होता है वो क्या है जी, पीएच। पीएच को मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे कि पीएच क्या होती है, आप टेंथ में केमिस्ट्री के अंदर इसे पढ़ चुके हैं। किसी भी चीज़ के अंदर हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी को या हाइड्रोक्सिल आयन की क्वांटिटी को जो चीज़ शो करती है उसे हम क्या कहते हैं जी, पीएच। अगर किसी चीज़ में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं तो उसकी पीएच क्या हो जाती है, एसिडिक। अगर हाइड्रोक्सिल ज़्यादा हैं तो क्या हो जाती है, बेसिक। और इक्वल हैं तो क्या हो जाती है जी, न्यूट्रल। ठीक है, वो चीज़ें सारी आप पढ़ चुके हैं जी। सिक्स तक क्या होती है बच्चे, एसिडिक होती है, सेवन पे न्यूट्रल होती है, आगे क्या हो जाती है जी, बेसिक हो जाती है। ठीक है, अब हमने देखना है कि पीएच का एंजाइम की रफ्तार पर असर क्या होता है। हमारा जो टॉपिक ये नहीं है कि पीएच क्या है, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। हमारा टॉपिक है जी अफेक्ट ऑफ पीएच, के पीएच का असर क्या है एंजाइम की रफ्तार पे। तो सबसे पहले बच्चे हम देखते हैं, इसमें एक टर्म आती है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, ऑप्टिमम पीएच। जिस तरीके से बेटा, जिस तरीके से हर एंजाइम एक ख़ास टेम्परेचर पे काम करता था, जिसे मैंने कहा था जी, जिस तरह हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक स्किल दी होती है, हर एंजाइम का एक अपना टेम्परेचर था जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते थे, बिल्कुल इसी तरीके से हर एंजाइम की एक अपनी पीएच भी होती है जिसे हम क्या कहते हैं जी, ऑप्टिमम पीएच। इसको डिफाइन करता है एवरी एंजाइम फंक्शन मोस्ट इफेक्टिवली ओवर अ नैरो रेंज ऑफ पीएच कॉल्ड इट्स ऑप्टिमम पीएच। बच्चे को कहता है जिस तरीके से हर एंजाइम के काम करने का एक बेस्ट टेम्परेचर था, हर एंजाइम के काम करने की एक खास पीएच भी होती है, उस खास पीएच को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच। और बच्चे एक बात याद रखें, टेम्परेचर का थोड़ा बहुत चेंज तो एंजाइम बर्दाश्त कर भी लेते हैं, लेकिन पीएच का चेंज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इसी वजह से अगर आप डिफाइन देखें ना, तो उसने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पर, नैरो रेंज, यानी पीएच का चेंज एंजाइम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, टेम्परेचर का चेंज तो फिर भी कुछ हद तक बर्दाश्त कर लेता है, आपको फीवर होता है तो कुछ देर बाद आप नॉर्मल हो जाते हो, एंजाइम रिकवर हो जाते हैं, डीनेचुरेशन के बाद रिकवर हो जाते हैं एंजाइम कुछ फीवर के केस में। लेकिन अगर पीएच कुछ पॉइंट्स भी आपने चेंज कर दी तो एंजाइम फौरन डीनेचर हो जाते हैं और इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो कहता है एवरी एंजाइम फंक्शन मोस्ट इफेक्टिवली, हर एंजाइम काम करता है एक बेहतरीन तरीके से, बेस्ट मैनर में, एट इज बेस्ट एट अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। उस पीएच को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच। बच्चे अब हमने यहाँ पे ना कुछ एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच देखनी है, हम एक साइड पे लिखेंगे जी एंजाइम और दूसरी साइड पे लिखेंगे उनकी ऑप्टिमम पीएच, कि उनकी ऑप्टिमम पीएच क्या है। ये टेबल आपकी बुक पे दिया हुआ है, ठीक है, और पेपर में 90% टाइम, आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लें बोर्ड के, 90% टाइम इसी टेबल में से एमसीक्यूज आता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं जी एंजाइम जिनकी हमने पीएच देखनी है, पेप्सिन, सुक्रेज, एंट्रो काइनेज, स्लेवरी अमाइलेज। ठीक है, मैं एक और साइड पे कर लेता हूँ ताकि हमें यहाँ से प्रॉपर तरीके से पता चलता रहे। पहले हम इन चारों की लिख लेते हैं फिर आगे कर लेते हैं। पेप्सिन की कहता है जी, पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच है जी 2, पेप्सिन की कितनी है 2, सुक्रेज की 4.50, एंट्रोकाइनेज की 5.50, स्लेवरी अमाइलेज की 6.80। ठीक है, 4 की आ गई हमारे पास, 4 एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच आ गई, पेप्सिन, सुक्रेज, एंट्रोकाइनेज और स्लेवरी अमाइलेज। पेप्सिन की कितनी है 2, सुक्रेज की कितनी है 4.50, एंट्रोकाइनेज की 5.50 और स्लेवरी अमाइलेज की कितनी है जी 6.80। एक और टेबल ड्रा कर लेते हैं ताकि हम सारे एंजाइम की देख सकें। एंजाइम आ गया और साथ आ गई जी उसकी ऑप्टिमम, एक टेबल में सारा कवर नहीं होना था इस वजह से मैंने 2 टेबल ड्रा किए हैं।
अच्छा जी, चार एंजाइम को हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास नंबर फिफ्थ पे कैटालेज एंजाइम, उसके बाद आ जाता है जी काइमोट्रिप्सिन, उसके बाद आ जाता है जी पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये सारे एंजाइम जैसे जैसे हम बायो को पढ़ेंगे, एफएससी की बायो पढ़ेंगे, सारे एंजाइम का आप यूज़ देखेंगे फ्यूचर में। पैंक्रियाटिक लाइपेज और लास्ट है जी आर्जिनेज। तो बच्चे ये आठ एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच है। कैटालेज की देखें तो कैटालेज की ऑप्टिमम पीएच के बारे में कहता है जी, इसकी ऑप्टिमम पीएच होती है 7.60, काइमोट्रिप्सिन की होती है 7 से लेके 8 तक की रेंज में, ठीक है। पैंक्रियाटिक लाइपेज की है जी 9 और आर्जिनेज की है जी 9.70, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास ये आ गया जी हमारे पास ऑप्टिमम पीएच का टेबल, जो आपकी बुक पे दिया हुआ है कि हमने एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच देखनी है। इसको आपने बकायदा अच्छे तरीके से एक अच्छे मैनर में याद करना है, ठीक है। ये पेपर के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से, ठीक है। तो बच्चे ये है जी हमारे पास पेप्सिन की कितनी है 2, सुक्रेज की कितनी है 4.50, एंट्रोकाइनेज की 5.50, सिलेवियम आयलेज 6.80, कैटालेज 7.60, काइमोट्रिप्सिन 7 to 8, पैंक्रियाटिक लाइपेज 9 और आर्जिनेज कितनी है जी 9.70। तो बच्चे अगर आपको ऑप्टिमम पीएच की डिफाइन आ जाती है पेपर में, तो सबसे पहले आपने डिफाइन लिखनी है कि वो ऑप्टिमम पीएच किसको कहते हैं। वो पीएच जिस पर एक एंजाइम बेहतरीन तरीके से काम करता है उसे ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। और इस टेबल में से 2-3 एग्जाम्पल लिखने हैं, लेकिन ये टेबल आपने पूरा याद करना है क्योंकि इसमें से 90% टाइम पेपर में एमसीक्यूज आता है। बच्चे मैं इस चीज़ को अरेंज करता हूँ, आप इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने इसको इरेज कर देना। बच्चे उसके बाद अब वो ये बात कर रहा है कि अगर हम पीएच को चेंज करते हैं तो फिर क्या असर होता है एंजाइम। ये तो हमने देख लिया ना कि हर एंजाइम बेस्ट काम करता है खास पीएच पर, उसे ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अगर हम पीएच को चेंज करते हैं तो फिर क्या रिजल्ट आता है, यानी हमारे पास अब क्या आ गया जी, चेंज इन पीएच। बच्चे सबसे पहले वो कहता है जी एक चेंज है स्लाइट चेंज, यानी अगर आप पीएच को थोड़ा सा चेंज करते हैं, माइनर चेंज करते हैं पीएच के अंदर, तो कहता है एंजाइम का रेट, एंजाइम रेट रिटार्ड हो जाता है, यानी स्लो डाउन हो जाता है या रुक जाता है, ठीक है। एंजाइम रेट क्या हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है। अब हमने रीजन भी बतानी है कि रिटार्ड क्यों हो जाता है, ठीक है। कहता है जब आप स्लाइड चेंज करते हैं तो इससे क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अमीनो एसिड एट द एक्टिव साइट विल चेंज। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज होने से, अमीनो एसिड की आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज होने से ऐसा क्या हो जाता है, ठीक है। बच्चे एक बिल्डिंग है जी, 22 पोर्शंस की एक बिल्डिंग है, आप उसका नीचे वाला पोर्शन गिरा दो, क्या होगा, सारी बिल्डिंग गिर जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी आप पढ़ चुके हैं मिस्ट्री के अंदर कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है उसे क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आप एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एटम में से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो क्या टूटेगा, एटम। एटम टूटेगा तो क्या टूटेगा, अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड टूटेगा तो क्या टूटेगा, और एक्टिव साइट। और अगर एक्टिव साइट डैमेज होगी तो रेट क्या हो जाएगा, रेट विल स्लो डाउन, रेट स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और अगर बच्चे हम लार्ज चेंज कर देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं, अगर आप लार्ज चेंज कर देते हैं इन पीएच, तो बच्चे फिर तो कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप लार्ज चेंज कर देते हो ना पीएच के अंदर, फिर तो कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, फौरन इमीजिएटली एंजाइम क्या हो जाता है आपका, मुकम्मल तौर पर टूट जाता है, यानी एंजाइम क्या हो जाएगा जी, डीनेचर हो जाएगा। बच्चे
हमारा टॉपिक था जी ऑप्टिमम पीएच से हमने स्टार्ट किया था कि पीएच का क्या इफेक्ट होता है। ऑप्टिमम पीएच उसको कहते हैं जिस पर एक एंजाइम का काम बेस्ट होता है। कहता है एवरी एंजाइम फंक्शन मोस्ट इफेक्टिवली ओवर अ नैरो रेंज ऑफ पीएच कार्ड लीड्स ऑप्टिमम पीएच पेप्सिन की 2, सुक्रेज की 4.5, एंट्रोकाइनेज की 5.5, सिलेवरियम आयले 6.80, कैटालेज 7.60, काइमोट्रिप्सिन 7-8, पैंक्रियाटिक लाइपेज 9 और आर्जिनेज 9.70। बच्चे इस बात को जरा समझ लें कि अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हैं ना तो एंजाइम का रेट रिटार्डेड हो जाता है। बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज हो जाती है, कहता है थोड़ा सा चेंज करेंगे ना आप पीएच को तो आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज होने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो एटम टूटेगा, एटम टूटेगा तो अमीनो एसिड टूटेगा, अमीनो एसिड टूटेगा तो एक्टिव साइट टूटेगी और रेट स्लो डाउन हो जाएगा। और अगर आप लार चेंज कर देते हैं फिर तो सेकेंड ऑप्शन ही नहीं है, एंजाइम फॉरन डीनेचर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक हमारा लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।